और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर हैं। चुनाव आयोग के 72 घंटे के प्रतिबंध का आज आखिरी दिन है। कल अयोध्या में थे, आज वाराणसी में। सीएम योगी पर इलेक्शन कमीशन के बैन का आज आखिरी दिन है। 72 घंटे का बैन लगाया था और आज आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि लगभग 11 बजे, 2 घंटे बाद वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की और बड़ी तस्वीर भी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम योगी पर इलेक्शन कमीशन के बैन का आज आखिरी दिन और साथ ही साथ आज वाराणसी लगभग 11 बजे 2 घंटे बाद सीएम योगी वाराणसी जाएंगे। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और जो भी तस्वीर आएगी सबसे पहले आपको एफएम न्यूज पर देखेगी। और हमारे साथ एफएम न्यूज के एडिटर चीफ राशिद हाशमी लगातार बने हुए हैं। राशि जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे मायावती के ट्वीट का और हम जिक्र कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, योगी आदित्यनाथ का, और अब खबर वाराणसी जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैन है तो बना रहे, लेकिन उनके दौरे लगातार जारी हैं। अजितेश, सबसे पहले मैं आपके साथ बातचीत करनी शुरू करूं, उससे पहले कुछ खास बातें अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। जी, आपके पास आ रहे हैं उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिलहाल चुनाव से जुड़ा अपडेट, 9 बजे तक देश भर में 10% मतदान हो गया है। जी हां, 9 बजे तक देश भर में 10% मतदान हुआ है। यूपी में अब तक 8% मतदान हुआ है, 8 लोकसभा सीट, 8% मतदान। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान भी हुए हैं। जी राशि जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, फोन पैच कर दो मेरा। चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया, एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। और जहां पर हम बात कर रहे थे, हमारे साथ दो खास मेहमान और भी लगातार मौजूद है। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, हमारे साथ ए के मिश्रा हैं, लगातार हमारे साथ कई चर्चाओं में रहते हैं, खास तौर पर सटीक विश्लेषण करते हैं। ए के, मुख्यमंत्री तो फिर चल दिए वाराणसी और ट्वीट मायावती का आया ही था और दो एक और द्वारा। देखिए, ये एक्टिविटीज़ है, मैं आपको बताऊं, एक तीर से कई शिकार। ये पॉलिटिशियंस जितने होते हैं ना, काक चेष्टा वको ध्यानम, जैसे बकुला होता है ना, एक पैर पे खड़ा रहता है मछली को निशाना, और जैसे ही मछली, इतने अलर्ट ये लोग पॉलिटिकल मुद्दे पे रहते हैं, देश के जनता के दुख दर्द के लिए नहीं रहते हैं। तो बकुले के समान ये लोग एकदम ध्यानमग्न रहते हैं, किसी ने कुछ किया तुरंत ट्वीट आ जाएगा। जानबूझ के लोग भी ऐसा करते हैं जिसका कि हम पॉलिटिकल माइलेज ले सके। हाँ। तो ये इनकी विशेषता है, ये इनके लक्षण है जो है, तो इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और क्लियरली ये मान लेना चाहिए कि केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए है। एके जी, राशि जी, एक मिनट के लिए आप सभी की इजाजत से एक जरूरी जानकारी देनी बेहद जरूरी है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो जो दर्शक सुबह सुबह 9 बजे ट्यून इन हुए हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी टीम, ये जो मेरे सहयोगी अजितेश मिश्रा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पिछले 48 घंटे से लगातार इस इलेक्शन के लिए पूरी टीम काम कर रही है। अजितेश मिश्रा, अंकित मुत्रीजा, अनूप आकाश वर्मा, अखिल, योगेश, मेरे तमाम सहयोगी, मेरी ग्राफिक्स की टीम, आउटपुट की टीम, असाइनमेंट्स रोहित पांडे, अनुपम शुक्ला, वीडियो एडिटर्स, कैमरा टीम, टेक्निकल टीम, आईटी स्टाफ, पूरी तरह लगातार आपके साथ में जुड़ा हुआ है, ये बताने के लिए, पल पल के अपडेट्स आप तक देने के लिए कि यूपी की 8 सीटों में क्या चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के 12 राज्यों की 95 सीटों पर क्या चल रहा है। बहुत ही दिलचस्प तरीके से, आसान तरीके से हम आप तक एक एक खबर पहुंचा रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी का ताजा अपडेट ये है कि 8 सीटों पर 8% की वोटिंग, सुबह 9 बजे तक का अपडेट है, इलेक्शन का ईसीजी आगे हम आपको दिखाएंगे। अजितेश मेरे सहयोगी, एक एक रिपोर्ट, एक एक विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। एके मिश्रा हमारे साथ में, थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फखरुल हसन चांद भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, कांग्रेस के का भी पैनल हमारे साथ में अलग अलग तरीके से जुड़ेगा, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। अजितेश, आप कुछ बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा था खास तौर पर, चूंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे थे और उनके दौरे की बात कर रहे थे, मायावती के ट्वीट की बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच अगर हम स्ट्रेटेजिकल तौर पर बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चुनाव आयोग का बैन है प्रचार पर, लेकिन इस पूरे
बैन को किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भुना रहे हैं, ये वाकई में आज की तारीख में एक नई राजनीति दिखा रहे हैं इस पूरे चुनाव के बीच में। अजितेश, आप एक प्रोग्राम करते हैं ना, आपका एक बड़ा सिग्नेचर प्रोग्राम है और मैं बहुत बड़ा फैन हूं उसका, अजितेश का अग्निपथ। जानते हैं ये राजनीति भी अग्निपथ ही है। दुष्यंत कुमार ने एक बड़ी खूबसूरत सी कविता कही है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। ये आम जनता के लिए उन्होंने ये बात कही थी। शायद आम जनता बहुत बार नादानी में ये बात समझ नहीं पाती है। योगी आदित्यनाथ अगर 3 दिन के बैन को, हाँ एक बात तो कहनी पड़ेगी, योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के बैन को बहुत अच्छे तरीके से भुनाया है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट वो कितने अच्छे हैं यह भी उन्होंने बताया है। 3 दिन में बजरंगबली का दर्शन करने के लिए वो गए, वो एक महंत हैं, वो एक संत हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, धर्म धारण करने की चीज है और धर्म उनका निजी विषय है, वो ये भी कह सकते हैं। बजरंगबली के दर पर भी वो गए, हनुमानगढ़ी भी गए, रामलला का दर्शन भी किया, महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिले, अयोध्या के एक अलग इंडिकेशन दे दिया, आज वो बनारस में होंगे। अभी अभी आप खबर ही दे रहे थे कि बनारस में वो संकट मोचन भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे, यहां से वो पूर्वांचल को भी साधेंगे और यहां से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और अवध तक को भी साध लेंगे। क्योंकि आपको यह पता है कि अब यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ ये आपका इलेक्शन जो है वो रुहेलखंड की तरफ जाएगा, अवध की तरफ जाएगा, बुंदेलखंड की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर पूर्वांचल की तरफ जाएगा। और योगी आदित्यनाथ को यह पता है कि आज जब वो बनारस में जाएंगे तब 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। योगी आदित्यनाथ की खुद की भी साख दांव पर लगी हुई है क्योंकि ये 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें पूरी तरह से इस फेज वाली 2014 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी और उसे रिटेन रखना, उसे बचाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अजितेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और चंद्रमोहन चौबे बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, राशि जी उनके पास भी हम जा सकते हैं क्योंकि आप अभी जिक्र ही कर रहे थे और सवाल भी कई सारे हैं। सवाल आपके पास भी कम नहीं होते हैं अजितेश, आप बार बार जो है गेंद मेरे पाले में डाल रहे हैं, सवाल पूछने का पूरा अधिकार आपको भी है, आप भी बड़े अच्छे सवाल पूछा करते हैं। मैंने कहा ना कि अजितेश के अग्निपथ में बड़ी परीक्षा आप लिया करते हैं लोगों की और इस बार भी ये जो सियासत भी है ना, ये भी एक अलग तरह का अग्निपथ है। चंद्रमोहन जी, 8 की 8 सीट 2014 में आपके खाते में गई थी, मैं हूं और साथ ही साथ मेरे डिप्टी ईपी अजितेश भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, हम दोनों ही मिलकर के आपसे सवाल करेंगे। 8 सीटें बचाने के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप एक ऐसे वक्ता हैं चंद्रमोहन जी जो सतही बातें नहीं करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, सब्सटेंशियल बातें करते हैं, 8 सीटें बचेंगी कैसे? जी बिल्कुल, जो हमारे विकास के कार्य रहे हैं, जो कार्य 14 से पहले की तुलनात्मक अध्ययन जब मतदाता करेगा तो उन तथ्यों को देखेगा कि 2014 के पहले क्या था, वो जिला क्या था, वो उनका संसदीय क्षेत्र कैसा था और देश में विदेश में किस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के लोगों को गर्व की अनुभूति हो रही है, चाहे किसानों के मामले में हो, चाहे सेना के मामले में हो, चाहे विदेश नीति के मामले में हो, तो अगर देखेंगे। और ये सब तो बाहरी होगी, जो लोकल मुद्दे होते हैं जो जनता से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे जो है आवास हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान हो, ये लोगों जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो कि उनको अनुभूति होती है कि 14 से पहले और अब में क्या बदलाव हुआ है। तो हम बिल्कुल विकास के मुद्दों पर ही जनता के बीच जा रहे हैं और जो काम किया है उसी के आधार पर वोट भी मांगा जा रहा है। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, चंद्रमोहन जी एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है, फेस वैली पे लखनऊ में वोट पर उनका नाम, जिन्होंने लखनऊ में काम किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया, पहले मायावती ने ट्वीट किया इलेक्शन कमीशन को लेकर और अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके वोट को लेकर जिक्र किया, विरोधियों पर निशाना साधा, लखनऊ में वोट पर उनका नाम, जिन्होंने लखनऊ में किया काम। जी हां, यह ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, यानी कि लखनऊ में उनको वोट मिलेगा जिन्होंने काम किया है, यानी कि उनके नाम पर वोट मिलेगा जिन्होंने काम किया, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। एक और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक और घंटे में दूसरा ट्वीट सामने आ गया है। जी हां, इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त ये कि मायावती का ट्वीट, आज बीजेपी के लोग बहुत नर्वस हैं, ये मायावती का कहना है।
ट्वीट के जरिए, घंटे में दूसरा ट्वीट, और उसके जरिए उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल बीजेपी के लोग आज दूसरे चरण पर बहुत नर्वस हैं, हालांकि पहले चरण में भी इस बात का जिक्र किया गया था। एके ये वार और चंद्रमा जी लखनऊ के वोट पर उनका नाम जिन्होंने किया लखनऊ में काम जी। नहीं नहीं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे है क्या, ये अभी इलेक्शन कमीशन के तरफ से तो फुल फ्लैग अब आप लोग प्रचार कर नहीं सकते हो, तो ट्वीट के माध्यम से पास्ट के, ठीक है अखिलेश यादव ने काम किया कि नहीं किया वो क्या फैक्ट है, और ये मान भी लिया जाए भाई काम तो सारी सरकारों ने किया है और आगामी सरकारें लगभग कुछ ना कुछ फीता काटती हैं, इसी चीज को मुद्दा बना के उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हुई है। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये चीज अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी वाले पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे काम का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, क्रेज लेने की, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल जो एकदम शांत पड़ा था उसमें एक पत्थर ये फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज रूम में रंजना के पास भी जा सकते हैं क्या? हाँ। अजितेश न्यूज रूम में रंजना के पास जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम कोई अपडेट हमें 8 सीटों का मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही सेकंड्स में हम जरूर जाएंगे और रंजना में बेहतर तरह से ग्राफिक्स के जरिए बताएंगी कि आखिरकार किस तरह से कांटे की टक्कर चल रही है, अभी परसेंटेज क्या है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे नए अंदाज में जो वोट प्रतिशत है वो भी बस हम तैयार है, कुछ ही सेकंड्स में हम उसे दिखाएंगे। ठीक है, 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, अभी तक मतदान प्रतिशत का जो भी अपडेट है वो ये है कि 8 सीटों पर 8% सुबह 9 बजे तक, इसके अलावा बिहार की 5 सीटों पर क्या चल रहा है ये भी हम आपको अपडेट पहुंचाएंगे, तमिलनाडु में क्या चल रहा है, कर्नाटक में क्या चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर हमारी नजर है। पहले फेज की 91 सीट, दूसरे फेज में 95 सीट, 12 राज्यों की 95 सीटों पर 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि 543 में से एके 543 में से 186 सीटें खत्म हो जाने का मतलब यह है कि एक तिहाई लोकसभा चुनाव तो पूरा हुआ। देखिए नहीं नहीं वो काउंट मत करिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक डिसीजन मेकिंग वोट फैक्टर होता है ना कि किसका बनेगा किसका नहीं, ये रिजल्ट वहां पे जो है बंद हो गया है। ये केवल ऐसे मत देखिए कि 184 सीटें 1/3 खत्म हो गया, ये समझ लीजिए कि पिटारे में बंद हो गया कि पड़ला किधर झुकेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स रही हैं। हाँ। जो मैं आपको बताऊं, बनना बिगड़ना जो था वो हो गया, अब कोई कवर नहीं कर पाएगा। जवाब शायद अपडेट के साथ में अजितेश भी दे सकते हैं। एक बस एक मिनट के लिए रुकूंगा अजितेश, चूंकि आपका जो एक सिग्नेचर शो है अजितेश का अग्निपथ, आप ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आते हैं, आप लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, लोकल पॉलिटिशियन के साथ आपकी बात होती है, लोकल जर्नलिस्ट के साथ आपकी बात होती है, ये जो 8 सीटें हैं इन 8 सीटों का आपने जमीनी हालात जाने थे, आपको समझ क्या आया था, लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच करके आपको लगता है कि पोलिंग बूथ तक जाएंगे? बिल्कुल राशि जी, देखिए 8 सीटों की जब बात कर रहे हैं, 4-4 में अगर हम बांट ले, लगभग 8 सीटों का दौरा किया, 4-4 में अगर हम बांट दें तो 4 की हकीकत ये कि आज भी 2014 का जिक्र होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है, मोदी वेव्स जिसका जिक्र कर रहे थे, और 4 सीटें बिल्कुल हकीकत से दूर है। आगरा जैसी जनता जिसे कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा शहर है, लेकिन स्थानीय मुद्दे बिल्कुल गायब हैं, वोट मोदी के नाम पर है और उसी के नाम पर वोट दिया जाएगा। पाकिस्तान का जिक्र बार बार वहां पर होता है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का जिक्र होता है। ठीक अलीगढ़ की अगर हम बात करें जहां पर कहा जाता है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और हर वर्ग के लोग रहते हैं, एएमयू है, लगातार विवाद उठता है, सतीश गौतम उठाते रहे, वहां पर स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से हावी है और सतीश गौतम को लेकर लगातार उतनी अच्छी स्थिति नजर नहीं आती है। ऐसी मथुरा की जब हम बात करते हैं, मथुरा में 50-50 कहा जाता है क्योंकि मथुरा शहर है, विकसित हो गया है, लेकिन गांव की हकीकत आज भी वैसी है, लोगों के अंदर नाराजगी आज भी वैसी है, तो इस तरह की हकीकत में 8 सीटों में बहुत अच्छा पॉइंटर आपने उठाया है। हाँ। अजितेश, बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंटर आपने उठाया है। हाँ। और बाकी जो 5 बची हुई सीटें हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन चंद्रमोहन जी मेरे कोलीग हैं अजितेश, अलीगढ़ की वो बात कर रहे थे और एएमयू के इशू की बात कर रहे थे, आपको याद होगा सतीश गौतम ने जम करके ये इशू उठाया भी था, अलीगढ़ में जब जिन्ना की तस्वीर लगी थी तब आप लोगों ने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से ये इशू उठाया था, लेकिन अलीगढ़ में या अलीगढ़ में अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के, यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के एचआरडी मिनिस्ट्री को 5 साल में जो करना चाहिए था आप लोगों ने किया कहां? आप लोगों ने वीडियो ऑप्शन तलाशा, आप लोगों ने फोटो ऑप्शन तलाशा, आप लोगों ने न्यूज ऑप्शन तलाशा, सतीश गौतम ने धरने प्रदर्शन तो कर दिए लेकिन आप लोग की एचआरडी मिनिस्ट्री तो कुछ कर ही नहीं सकी और एमयू विवाद में रह गया। जी देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है
कि कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता हर जगह बात की जाती है एकता की, लेकिन बताइए वो वहाँ पर दलितों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा बात की जाती है, बहन मायावती जी भी करती हैं, सभी करते हैं, लेकिन वहाँ पर दलितों का हित मारा जा रहा है अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, लेकिन किसी ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। ये कैसा है, ये कैसा भेदभाव? दूसरी जगह अगर बंगाल में कोई दलित मारा जाता है तो ये सब शांत हो जाते हैं। क्या कर दिया एएमयू इशू को लेकर के? अरे बंगाल छोड़िए, यूपी की बात कीजिए, अलीगढ़ को लेकर के, एएमयू विवाद को लेकर के अलीगढ़ के लोग क्या सोच क्या रहे हैं अजितेश? सीधे तौर पर अगर हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात करें, राशिद जी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे 5 साल में 2014 के बाद, और अगर हम भी देखें, अलीगढ़ सुर्खियों में आया तो एएमयू को लेकर, अलीगढ़ सुर्खियों में आया तो सतीश गौतम को लेकर, यानी कि एक सांसद के तौर पर सतीश गौतम का सबसे ज्यादा जो प्यार है, सबसे ज्यादा प्रेम है, वो एएमयू को लेकर सामने आया। दूसरा वर्ग ये भी कहता है कि अगर सांसद साहब जब एएमयू का जिक्र करते हैं तो क्यों ना कोई ऑप्शन दे देते हैं वहां पर लोगों के पास, जो युवा जो हैं, अगर एएमयू में किसी तरह की दिक्कत हो तो आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिया, आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवा देते, आप कॉलेज क्यों नहीं बनवा देते? तो इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार लोगों के मन में रही, लोगों के मन में आज भी वही सवाल है। राशि जी, मेरे ख्याल से चंद्रमोहन जी इस बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे, और चंद्रमोहन जी बंगाल मत पहुंच जाइएगा, यूपी में ही रहिएगा फिलहाल। चंद्रमोहन जी, जी जी, नहीं देखिए, विकास इसी मुद्दे पे नहीं, वहां पर विकास का भी मुद्दा रहा है, वहां पे जो है कई फ्लाईओवर भी बने, कई जाम की निजात दिलाने के लिए वहां पर जो है आउटर रिंग रोड की भी बात हुई थी वहां पर, तो ऐसा नहीं है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे बना क्या, जी ग्रामीण क्षेत्रों, जी सड़क रोड बना क्या, सड़कों में आप देखेंगे तो सड़क बन नहीं, देखिए उसका जो है प्रस्ताव पारित हुआ, 5 साल में सर प्रस्ताव आता रहा और 5 साल में 50 बार एमयू का जिक्र हो गया। नहीं नहीं, बाकी आप देखिए, चाहे देखिए, चाहे वो जो है उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे आवास का हो, वहां पर बढ़ा है, बिल्कुल वहां पर जो है उन्होंने उसको सही ढंग से। चंद्रमोहन जी आ रहे हैं आपके पास, राशि जी एक बार हम न्यूज रूम का रुख जरूर करेंगे, और न्यूज रूम में चलकर ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर रंजना कुछ हमें खास जानकारी देंगी चुनाव से जुड़ी हुई। रंजना जी, अजितेश मैं बता दूं, लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, ऐसे में 9 बजे तक नगीना में 11.12% मतदान हुआ था। यान लोकसभा सीट की बात करूं तो नगीना लोकसभा सीट से डॉक्टर यशवंत सिंह बीजेपी से हैं और तमाम दूसरे दिग्गज नेताओं के खिलाफ मैदान में। अमरोहा लोकसभा सीट से कंवर सिंह तंवर बीजेपी, कुंवर दानिश अली बीएसपी और सचिन चौधरी कांग्रेस से एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। यहां अगर मैं आपको आगे बताऊं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुलंदशहर लोकसभा सीट से डॉक्टर भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी, योगेश वर्मा बीएसपी और बंसी पहाड़िया कांग्रेस से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। इसके अलावा अलीगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो सतीश गौतम भारतीय जनता पार्टी, अनित बालियान बीएसपी, चौधरी विजेंद्र सिंह कांग्रेस से एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। हाथरस लोकसभा सीट से राजवीर सिंह दिलेर बीजेपी, रामजी लाल सुमन एसपी, त्रिलोकी राम दिवाकर कांग्रेस से एक दूसरे को टक्कर देंगे। और आगे मैं अगर आपको बताऊं मथुरा लोकसभा सीट के बारे में, हेमा मालिनी सेलिब्रिटी फेस बीजेपी से, कुंवर नरेंद्र सिंह आरएलडी, महेंद्र पाठक कांग्रेस से चुनावी जंग में एक दूसरे के सामने हैं। यहां आगरा लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल बीजेपी, मनोज कुमार सोनी बीएसपी, प्रीता हरित कांग्रेस से एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लगातार सुबह से मतदान जारी है, ऐसे में नगीना लोकसभा सीट से डॉक्टर यशवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी, गिरीश चंद्र बीएसपी, ओमवती देवी कांग्रेस से एक दूसरे को टक्कर देंगे। बिल्कुल, कई सारे नामों का जिक्र यहाँ पर रंजना कर रही हैं, और खास तौर पर वो वोटर्स जो लगातार चकचकी लगाकर इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खास तौर पर अच्छा दिन है। एफएम न्यूज़ अपील भी करेगा तमाम वोटर्स से, जरूर घर से निकलिए और वोट करिए। वोट की चोट, 5 साल में एक बार मौका है, सरकार जैसी आप चाहते हैं आप उसे चुने, जिन मुद्दों पर चाहते हैं आप उन्हें चुने, आप आज़ाद हैं, हम सिर्फ आपसे अपील कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ रंजना के पास एक बार फिर से हम थोड़ी देर बाद चलेंगे और आपको एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए बताएंगे कि आखिरकार अभी तक जो समय लगातार बढ़ता जा रहा है उस समय में कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, किस क्षेत्र में क्या कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है, साथ ही साथ एक एक क्षेत्र के जो जातिगत समीकरणों की बात की जाती है वो भी आपको बेहतर तरह से न्यूज रूम से रंजना आपको बताएंगी, और साथ ही साथ समयवार यानी कि सुबह 7, 8, 9 और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उस समय के हिसाब से
आपके पास वो वोट प्रतिशत पहुंचेगा कि अभी तक कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। खास तौर पर खास तरीके से इसके साथ ही साथ खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, जिनके साथ हम खास चर्चा कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी घटेगा 8 सीटों पर वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से रुक कर रहे हैं, खास मेहमानों का लगातार बने हुए हैं यहां पर। आप चंद्रमोहन जी के पास हम चर्चा कर रहे थे, राशिद जी यहां पर हम जब बात कर रहे हैं तो वाकई में मुद्दों की जब बात की हमने अलीगढ़ की तो कोई जवाब नहीं है। आउटर रिंग रोड का प्रस्ताव 5 साल में आता रहा, अलीगढ़ का मुद्दा लगातार उठता रहा ईएमयू को लेकर, साथ ही साथ आगरा की अगर हम बात करें, मथुरा की बात करें, तमाम सीटों का हाल, बड़ी 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 सीटें हैं लेकिन स्थिति शून्य नजर आती है जब बात मुद्दों की आती है। चंद्रमोहन जी इसका जवाब देना चाहेंगे जो अजितेश ने जो सवाल किया है आपसे? जी नहीं, सवाल क्या, देखिए वहां विकास ऐसा नहीं कि विकास हुआ नहीं है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो जो आवास जितने वंचित लोग थे उनको आवास मिला, उसके बाद जो है उज्ज्वला के तहत जिनको जो है गैस नहीं, आंखों में जो है चूल्हे से आंखें खराब हो जाती थी धुएं से, उनको जो है चूल्हा मिला, गैस चूल्हा मिला। उसके बाद जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए की सुरक्षा मिली, तो काम ऐसा नहीं है कि काम हुआ नहीं है, और काम होगा। देखिए इसी आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, ठीक है, इसी यही आधार है जीतने का। कांग्रेस से अमित गुरु भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ठीक है, कांग्रेस से अमित गुरु भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अमित गुरु भी हैं। अमित गुरु जी, ये कहते हैं कि हमने उज्ज्वला दिया, ये कहते हैं कि हमने स्टैंड अप इंडिया दिया, ये कहते हैं कि हमने स्टार्टअप इंडिया दिया, ये कहते हैं कि हमने आयुष्मान भारत दिया, जनधन दिया, हमने ये सब कुछ दिया। अगर इतना सब कुछ इन्होंने दिया है तो आपको लगता है यूपी में आपका खाता भी खुलेगा? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जहां से सवाल कर रहे हैं आपका कहना सही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिए क्या हैं और उसका प्रचार कितना करते हैं, ये दो अलग अलग मायने हैं। दिया थोड़ा सा और प्रचार बहुत हाई, आपने देखा होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान में इनका आधा पैसा तो विज्ञापन के मद में खर्च हो जाता है। बेटी पढ़ाने पे पैसा नहीं लगाते हैं, विज्ञापन पे आधा पैसा ये खर्च कर देते हैं। जिस उज्ज्वला गैस की बात ये कर रहे हैं, भविष्य में ये सब सामने होगा, देश के फेक आंकड़ों पे भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। आपने उज्ज्वला गैस जरूर दिया लोगों को, लेकिन आपने कभी ये देखने का प्रयास नहीं किया घर के अंदर की बात, वो गैस घरों में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देश का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, नाम है द हिंदू, राहुल गांधी ने द हिंदू का इंटरव्यू दिया है। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या बनारस में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी होंगी, कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी? राहुल गांधी ने कहा कि ना तो डिनाई करूंगा, मतलब ना तो खारिज करूंगा और ना ही स्वीकार करूंगा, मतलब पुष्टि भी नहीं करूंगा, खारिज भी नहीं करूंगा, कुछ चीजों में सस्पेंस बना रहे तो अच्छा होता है। क्या अभी एनालिसिस की जा रही है, क्या अभी आंका जा रहा है, क्या अभी आप लोग प्रॉज एंड कॉन समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी आप लोग प्रॉफिट लॉस समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वाकई में प्रियंका गांधी पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो 19 मई को इलेक्शन है, एक महीना एक दिन अब रह गया है, घोषित कर दीजिए ना। आप लोग बनारस को लेकर कितने डरे हुए क्यों हैं आप लोग? देखिए जी, देखिए आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है उसको राहुल गांधी जी पर और साथ ही साथ प्रियंका गांधी पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वो एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर हमारे साथ है, पहली चीज। दूसरी बात आपको बता दूं, जहां तक बनारस में चुनाव लड़ने की बात है, अगर प्रियंका गांधी जी ने अगर सहमति जताई, अगर उनकी इच्छा हुई, तो अब डिसीजन क्या है वो राहुल गांधी जी को लेना है, प्रियंका जी का अपना खुद का डिसीजन होगा। अगर ये तैयार होते हैं तो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और यहाँ से हमें किसी डर की बात नहीं है।